नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम बात करते हैं, अगर आप पीपीएफ अकाउंट एसबीआई में खोल कर रखा है और आप एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो पीपीएफ अकाउंट का ई रिसिप्ट कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पहले गूगल में चला जाते हैं और उसमें लिखते हैं ऑनलाइन एसबीआई और उसे सर्च कर देते हैं। और ये पहला जो सर्च रिजल्ट आ रखा है ऑनलाइन एसबीआई, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, फिर लॉगिन में क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू टू लॉगिन और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के हम एसबीआई में एसबीआई अकाउंट में लॉगिन हो लेंगे। अब दोस्तों, हम एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ और हमें करना है पीपीएफ अकाउंट का ई रिसिप्ट रिप्रिंट करना है, डाउनलोड करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट एंड एनक्वायरीज में, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, आपको बहुत सारा ऑप्शंस नीचे दिखाई दे रहा है, इनमें से हम चूज करेंगे रिप्रिंट ई रिसिप्ट फॉर पीपीएफ, इसे क्लिक कर देंगे। उसे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि डेट चूज कर लीजिए, कब से कब तक आपको पीपीएफ रिसिप्ट प्राप्त करना है चाहिए। तो हम ये मैक्सिमम 365 डेज का, मतलब एक साल का कर सकते हैं। चलिए हम पिछले साल का चूज कर लेते हैं। हम इसे पहले यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पिछले साल का, जैसे अप्रैल, मार्च आ गया, अप्रैल 1, 2017 से हम अभी करेंगे मार्च 30, 2018। ओके, अप्रैल मार्च 31, 2018 तक, मतलब एक साल का हम सिलेक्ट कर लिया हूँ और फिर गो में क्लिक कर देंगे। गो में क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जितना भी आपने पेमेंट किया है पिछले साल में, सारे का सारा रिसिप्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो इनमें से जो रिसिप्ट आपको चाहिए, मान लीजिए ये वाला रिसिप्ट हमें ज़रूरी है, 3 मार्च 2018 को जो हमने पेमेंट किया था वो रिसिप्ट हमें चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको और आपको नीचे जब आएंगे, ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, और नीचे जब आएंगे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और इस रिसिप्ट को आप प्रिंट में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे प्रिंट में क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने पीडीएफ सेव एज पीडीएफ कर लिया, और आपने डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं तो चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, फिर सेव कर देंगे। एक यहाँ पे नाम दे देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा है, मैंने उसे सेव कर दिया है और ये अपना डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। देखिए ये डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैं बताने जा रहा था आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत